नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर बड़ी खबर पे। आपको बता दें, एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है सुबह 8 बजे से ही, और अब 4 बजे तक वोटिंग खत्म भी होने वाली है। 27 विधान परिषद में ये वोट डाले गए। सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं ने वोट डाला है। 9 सीटों पर बीजेपी ने निर्विरोध कब्जा जमाया है। ये बड़ी खबर आपको एमएलसी चुनाव से संबंधित हम बता रहे हैं। झांसी में दोपहर 2 बजे तक 94% वोटिंग हुई, तो वहीं बलिया में दोपहर 2 बजे तक 94% मतदान हुआ। एमएलसी चुनाव की जंग इस बार बीजेपी वर्सेस सपा ही देखने को मिल रही है। अमरोहा में दोपहर 2 बजे तक भी 94% वोटिंग हो चुकी है। 58 जिलों में 27 सीटों पर 2 बजे तक 90.42% वोटिंग हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एमएलसी चुनाव से संबंधित। वाराणसी में 2 बजे तक 93% वोटिंग हुई है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। 27 विधान परिषद सीटों पर वोट डाले गए हैं। 58 जिलों में से 27 सीटों पर ये वोटिंग हुई है। सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं ने भी वोट डाला है। आपको बता दें, 9 सीटों पर यहां बीजेपी ने निर्विरोध कब्जा जमाया हुआ है। नगर निकाय एमएलसी चुनाव में 90.42% वोटिंग हुई है। 58 जिलों में 27 सीटों पर 2 बजे तक 90.42% वोटिंग हुई है। 27 विधान परिषद सीटों पर वोट डाले गए हैं। कुशीनगर में 2 बजे तक 90% वोटिंग हुई है। सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं ने इस चुनाव में वोटिंग की है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय मिश्रा बहराइच से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और गाजियाबाद से भी हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं। संजय, पहले मैं आपके पास आती हूं, क्या प्रतिशत रहा है वोटिंग का, और ये जो लड़ाई इस बार देखने को मिल रही है ये केवल बीजेपी वर्सेस सपा ही देखने को मिल रही है? अपूर्वा, देखिए मैं आपको बताऊं कि पूरे उत्तर प्रदेश के 27 सीटों पर आज एमएलसी का चुनाव हो रहा था। कुल 36 सीटें थी जिसपे 9 सीटों पर बीजेपी ने निर्विरोध जीत हासिल किया है। 27 सीटें ऐसी थी जिसपे सपा और भाजपा के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही थी। बहराइच और श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से 200 मतदान केंद्रों पर अच्छे मतदान की प्रक्रिया की गई है। अभी 4 बज चुका है और तकरीबन 96% ऐसे जो मतदान है वो प्रतिशत निकल करके आया है। यानी अगर सही तरीके से देखा जाए तो अधिक से अधिक मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो एमएलसी का जो मतदान है वो अब खत्म हो चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो बैलेट बॉक्स को अब पैक करके और वहां से स्ट्रांग रूम के लिए रवाना हो रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं किसी घटना की जानकारी नहीं आई है, ना ही कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ है। इसको लेकर के निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो भी सुरक्षाकर्मी मतदान केंद्र पर लगाए गए थे वो बेहतर तरीके से उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन को किया है, अपना कार्य किया है, और इसको लेकर के जो मतदान का जो प्रतिशत है वो भी काफी बेहतर रहा है, और जो मतदान जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से देखा गया है वो भी काफी बेहतर बताया जा रहा है। जी अपूर्वा, अगर अभी विधान परिषद की मौजूदा स्थिति देखी जाए तो बसपा के पास केवल 4 MLC है। यहां बसपा की स्थिति बेहद कमजोर भी नजर आ रही है और बेहद दयनीय भी नजर आ रही है। देखिए, जहां तक अगर हम बात करें तो चूंकि कहा यह जाता है कि जो निकाय चुनाव जो होते हैं वो खास करके ये कहे जाते हैं कि सत्ता पक्ष के होते हैं, लेकिन साफ तौर पे इस बार देखा गया है कि कई जगहों पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी रहा है उसके बीच में टक्कर देखी गई है। हालांकि जो बैलेट बॉक्स है वो 12 तारीख को खुलेगा, मतगणना 12 तारीख को होगी, तब स्थिति क्लियर हो पाएगी कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन उसके बावजूद ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को बेहतर सफलता हासिल हुई है, बीजेपी को यह पूरी उम्मीद है कि विधान परिषद के चुनाव में भी उसको बेहतर सफलता हासिल होगी। यही वजह है कि लगातार चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हों या जो भी बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हों, साफ तौर पे वो कहते चले आए हैं कि जो जनता है या जो हमारे इलेक्टेड जो वोटर हैं वो साफ तौर पे विकास की नीति को देखते हुए उन्होंने वोट किया है, और निश्चित तौर पे जो एमएलसी के जो 27 सीटें हैं उस पे बीजेपी काबिज होगी। जी बिल्कुल। अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। अनिल, एक तरफ देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ने अपनी एक बड़ी जीत यहां पर साबित कर दी है,
एमएलसी चुनाव में भी अगर देखा जाए तो बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार की जो ये लड़ाई है ये बीजेपी वर्सेस सपा तो है, लेकिन बीजेपी फिर भी सपा पर यहां भी हावी होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस बार मुकाबला बेहद ही दिलचस्प देखा गया गाजियाबाद में भी, क्योंकि धर्मेंद्र यहां से बीजेपी से लड़ रहे थे और वहीं जो है सुनील जो है सपा से थे, और कहीं ना कहीं जो इनकी लड़ाई बेहद ही दिलचस्प मानी गई है, क्योंकि चार बज चुके हैं और जो वोट डालने का जो समय है वो खत्म हो चुका है, इस वक्त समाप्त हो चुके हैं। और साथ ही वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 2 बजे तक 90% वोट जो है गाजियाबाद में डला है। टोटल वोट की अगर बात की जाए तो 799 टोटल वोट हैं और 11 जो है मध्य स्थल यहाँ पे बनाए गए थे, जिसको 5 जोन में बांटा गया था, और साथ ही 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कोई भी स्थिति खराब ना हो, कोई भी जो पारदर्शिता आए चुनाव में, इस तरीके की जो प्रशासन की छवि इस बार कहीं ना कहीं अच्छी देखने को मिली है, क्योंकि लगातार जो है मॉनिटरिंग खुद जिला अधिकारी भी कर रहे थे, साथ ही सीसीटीवी से डायरेक्ट मॉनिटरिंग चल रही थी लखनऊ, और तमाम यहां पर भी बड़े अधिकारी पूर्ण तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे थे, कोई भी गड़बड़ी चुनाव में नहीं हुई और बहुत अच्छे से और शांतिपूर्वक चुनाव जो है गाजियाबाद में करा दिया गया है। जी बिल्कुल, अनिल आप हमारे साथ बने रहिएगा, बाराबंकी से हमारे संवाददाता हमारे साथ।